वो आज से गंगौर की पूजा शुरू है ना, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या करना है? संध्या जी, बात यह है कि मैं आपकी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा तो ना हूं। मैं रहा एक 9वीं पास हलवाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे औरतों के हर रीति रिवाज और रस्मों के बारे में पता हो। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं थोड़ा डर गई थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, और आप जितना बताएंगे अगर उतना भी कर लिया मैंने तो बहुत होगा। संध्या जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मेरा मतलब, गलती होती है तो हो जाने दीजिए ना। और वैसे भी देखो, अब तो इस घर को भावों को ही नहीं बल्कि हम सबको आपकी गलतियों की आदत पड़ गई है। सॉरी, आपकी बेटी अपनी छोटी सी लाइफ की पहली लड़ाई हार गई। 15 मिनट में आधे घंटे वाला मैथ्स का सम सॉल्व करा लो, पर ये सजा नहीं, प्लीज माँ। देख लीजिए, अब तो खुश है ना। आज मैं खुद साड़ी पहन गंगौर पूजने जा रही हूं, सारे रीति रिवाजों को निभाने। भाबो, ये गंगौर पूजन का रिवाज क्यों है? अभी किसी फिल्म की कहानी पूछ लो ना इससे, तो इतने अच्छे से बताएगी ये, उतने अच्छे से तो लिखने वाले कोई पता ना होगा। आजकल के छोरे छोरिया ने धर्म की एक भी बात को ध्यान ना है। सुन, सुहागन और कुवारी औरतें गणगौर इसलिए पूछती हैं, जैसे गौरी माता को पति के रूप में शिव जी मिले। अच्छा, वैसे ही कुवारियों को अच्छा पति और सुहागनों को अपने पति का भरपूर प्यार मिले। देख, आज से रोज तू सुबह इनकी पूजा और सम्मान किया कर, समझी? अच्छा, फिर तो मैं ऐसी गंगौर पूजूंगी कि बस आप देखना, सच जैसे संध्या भाभी को मिला है सूरज सा जैसा प्यार करने वाला पति, वैसा ही ना सूरज सा जैसा तो कोई भी ना है, पर उनसे थोड़ा कम कोई अच्छा सा पति मारे को भी मिल जाए, है ना भावो? हो गया थारा, चल ध्यान दे। हाँ हाँ, Thank you.
वो आपकी कुछ मदद चाहिए थी। आज से गंगौर की पूजा शुरू है ना, तो मुझे तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या करना है? संध्या जी, बात यह है कि मैं आपकी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा तो ना हूं। मैं रहा एक नौवीं पास हलवाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे औरतों के हर रीति रिवाज और रस्मों के बारे में पता हो। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं थोड़ा डर गई थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, और आप जितना बताएंगे अगर उतना भी कर लिया मैंने तो बहुत होगा। संध्या जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मेरा मतलब गलती होती है तो हो जाने दीजिए ना। और वैसे भी देखो, अब तो इस घर को भावों को ही नहीं बल्कि हम सबको आपकी गलतियों की आदत पड़ गई है। वैसे भी बहुत ज्यादा आस नहीं रखी जाती आपसे, इसलिए आप चिंता ना करें संध्या जी। हाँ, सुनिए, एक मिनट रुकिए। ये आप भूल रहे थे, ये खाद्य और औषध विभाग का फॉर्म है। मैंने फॉर्म भर दिया है, आप इसे जल्द से जल्द जमा करवा दीजिएगा। ध्यान कटे थारो। ये लुगाईया भी बड़ी अजीब प्राणी होती है। त्योहार के दिन तो पति परमेश्वर, और बाकी दिन तो ऐसे ताना मारे हैं कि पति सीधा परमेश्वर के पास ही भाग जावे। Thank you.
आशीष देता हूं तने, थारी जुबान मीठी हो जावे, थारे अंदर जो आग भरी पड़ी है ना उस पर पानी गिर जावे, तू शेरनी से मेमनी बन जावे। भगवान करे थारे पति को लंबी उम्र मिले और खूब तरक्की मिले। अरे अरे संध्य जी, ये आप क्या कर रही हैं? इसकी कोई जरूरत ना है। हाँ,